ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। और आइए अब सुनते हैं स्वरांजलि। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर उनके कविताओं पर केंद्रित संगीत में प्रस्तुति, संगीत संयोजन पंडित भोलानाथ मिश्र का। स्वरांजलि आकाशवाणी दिल्ली की विशेष और अनूठी प्रस्तुति है जो सुर संगीत को समर्पित है। कार्यक्रम में जाने माने कलाकार प्रसारण भवन के संगीत स्टूडियो नंबर 1 में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुति देते हैं और आज की प्रस्तुति विशेष है। आज आप भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के उपलक्ष्य में उनकी कविताओं की संगीतमय प्रस्तुति का आनंद ले सकेंगे। कविताओं का संगीत संयोजन किया है पंडित भोलानाथ मिश्र ने। आपने श्रद्धेय श्री अटल जी की ये कविताएं पहले भी पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, लेकिन आज इनकी प्रस्तुति एक अलग अनूठी शैली में की जा रही है। आकाशवाणी के समूह गान कलाकार इन कविताओं की गायन प्रस्तुति देंगे और साथ में वाद्य यंत्रों की संगत भी होगी। तो आइए काव्य प्रस्तुतियों का आरंभ करते हैं और सबसे पहले सुनते हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्वर में उनकी कुछ काव्य पंक्तियां। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ।
की चीर व्यथा पलकों पर खिटकी। हार नहीं मानूंगा, हार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता 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 हूँ। प्रथम प्रस्तुति का आनंद अभी आपने लिया, अब मैं समूह गान कलाकारों का परिचय भी करवा देती हूं। हमारे समूह गान कलाकार हैं उत्कर्ष शर्मा, आकाश शर्मा, संदीप मोहंती, आशीष नायक, अजय मिश्रा, शुभम दुबे, जानकी महेश्वर, रुचि गोस्वामी, श्रुति सरगम, वैदेही गोयल, सोनाक्षी जैन और आस्था त्रिवेदी। और साथ ही संगत कलाकार हैं ऑक्टोपैड पर सतीश कुमार सोलंकी, सिंथेसाइजर पर प्रवीण कुमार, गिटार पर प्रद्युत बनर्जी, बांसुरी पर अनुराग रस्तोगी, सितार पर सुहेल सईद खान और तबले पर अरशद खान। और अब आनंद लीजिए अगली प्रस्तुति का, पुनः चमकेगा दिनकर। कमल सारे मुरझाए,
श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था और 16 अगस्त 2018 को इनका देहावसान हुआ। श्री वाजपेयी ने 3 बार भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहकर राष्ट्र सेवा की और अपने ओजस्वी भाषणों से और विचारशील प्रखर लेखनी के माध्यम से रचनात्मक जगत में भी योगदान देते रहे। श्री वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में आज की हमारी स्वरांजलि उन्हीं को समर्पित, उनके काव्य जो रचनाएं हैं उनकी संगीत में प्रस्तुति हमारे समूह गान कलाकार और संगत गान कलाकार स्वरांजलि के अंतर्गत दे रहे हैं। आपसे विनम्र अनुरोध, कृपया करतल ध्वनि से अगली प्रस्तुति का स्वागत करें, मैंने जन्म नहीं मांगा था। मैंने
एक सजग दृष्टा के तौर पर समाज की विविध घटनाओं पर भारत रत्न श्री अटल जी लिखते रहे और साथ ही अपने मनोभावों को भी अनेक शब्दों में व्यक्त करते रहे। अगली प्रस्तुति गीत नहीं गाता हूं।
नया गाता हूं और गीत नहीं गाता हूं, दोनों मनोभावों को समेटती अटल जी की लेखनी। और अब अगली प्रस्तुति से पहले कविता की कुछ पंक्तियां अटल जी के ही स्वर में दूध में दरार पड़ गई। खून क्यों सफेद हो गया, भेद में अभेद खो गया, बट गए शहीद गीत कट गए, कलेजे में कटार कड़ गई, दूध में दरार पड़ गई, खेतों में बारूदी कंठ टूट गए नानक के छंद, खेतों में बारूदी गंध टूट गए नानक के छंद, शत्रुघ्न सहम उठी व्यथित सी वितस्ता है, बसंत से बहार झड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। शहीद गीत कट गए, कलेजे में
रचनाशीलता और भाव प्रधान लेखन अटल जी को विरासत में मिला। मैं आपको बताना चाहूंगी कि उनके पिताजी कृष्ण बिहारी वाजपेयी अपने समय के जाने माने कवि थे। मेरी 51 कविताएं अटल जी का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। और अब अगली प्रस्तुति, ठन गई मौत से ठन गई।
अटल जी की लेखनी। ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, न घास ही जमती है। ऊंचे पहाड़ पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, न घास ही जमती है। जमती है सिर्फ बर्फ, जो कफन की तरह सफेद और मौत की तरह ठंडी होती है। मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना। गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। जीवन का कटु सत्य बताती हुई और साथ ही मन में आस जगाती, युवा पीढ़ी को प्रेरित करती अटल जी की कविताएं आज हम संगीत में प्रस्तुतियों के साथ आपके समक्ष लेकर आए हैं स्वरांजलि में। अगली प्रस्तुति से पहले एक बार फिर से अटल जी की आवाज, आओ फिर से दिया जलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं।
और अब आज की अंतिम प्रस्तुति कदम मिलाकर चलना होगा।